हे व्हाट्स अप गाइस, हम हैं आपके जुड़वाज सुशांत निशांत। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, जैसे कि हम लोग वापस आ गए हैं द बॉयज पुनीत भाई के जो है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं भाई पुनीत भाई के आप देखते नहीं थे, अभी जब चल रहा है तो देखो, मजा आएगा, वाइब करो। तो हम लोग भी ये कर रहे हैं कि भाई चलो, आप लोग बोल रहे हैं कि और आपको भी एंजॉय हो रहा है, तो आपकी रिक्वेस्ट पूरी करना हमारा फर्ज है। तो जो भी आप कमेंट करते हो वो कमेंट के अनुसार हम लोग चलते हैं। तो आप पुनीत भाई के मीम्स देखना पसंद कर रहे हैं तो हम लोग भी देखना पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप जो बोलते हो वही हमको करना पसंद है ज्यादा। तो आते हैं वीडियो पे, आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो। आते हैं वीडियो पे, बिल्कुल, और ब्लॉग्स को भी सपोर्ट करो हमारे, वो तो कितना भी बोलू तो भी नहीं करोगे, पर ठीक है, है कि नहीं। पर हम लोग क्या है, मेहनत जारी रखेंगे, बिल्कुल। बहुत लोग जो ऐसे भी है कि हमारी जो डेली लाइफ है वो देखना पसंद करते हैं, बिल्कुल, तो देखते हैं अभी, और आप व्लॉग पे देखो, आपकी इच्छा होगी तो, नहीं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी ये तो हम लोग करते ही रहते हैं। चलो आते हैं वीडियो पे, हेडफोन लगा लेना भाई, फिर पता है ना क्या होता। अरे यार, एक फोन आया है। अरे यार, 6-6 हजार करोड़ रुपए का तो मैंने तुम्हें बोला था। क्या पट्टू से बैठा, ये करने की क्या जरूरत थी? अबे मर जाएगा वो। चलो बताओ, 5+5 कितना हुआ? बताओ, कहाँ से लाओ इसका जवाब? ओए ये क्या हो गया? भैया, भैया, मेरे भाई 8 होते हैं मैडम जी, कैसा लगा जवाब? बिल्कुल 10 होते ना, मैं तो 10 कहना चाहता था। अरे यार, तो कोई भी बंदा सीरियस मत लेना, लाइक और शेयर करना मत भूलना। वीडियो को शुरू करते हैं आपकी पसंदीदा इंट्रो के साथ। अरे नहीं यार, मोदी न्याय लवणे न भोजन। अरे मेरे बाप रे, जहां जा रही है थोड़ा क्लाउड 9 पे फील कर रही है कि थोड़ा लग रहा है, अच्छा ठीक है, अवार्ड है। आर यू फीलिंग द नेशनल अवार्ड इनसाइड यू? पता नहीं इनसाइड कैसे फील करते हैं नेशनल अवार्ड, बट आई एम थ्रिल्ड। अब मैं तुमको एक बहुत बड़े ज्ञान की बात बताता हूँ। हमारे लड़के लोग जो भी है यार, आजकल लड़कियां भी है, ये लोग है ना, मतलब आजकल गाली देते हैं ना तो भी मतलब व्याकरण के भाषा में गाली। क्या बात है, वाह, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब उनकी गाली देखो, ऐसे 3 से 4 शब्द की रहती है। पैसा पहला होता है प्रोनाउन, पहला होता है प्रोनाउन तेरी तेरी, फिर यहाँ पर एक आता है नाउन। अब ये नाउन में कोई तो रिश्ता रहेगा, भाई, माँ, पिता, तो रहेगा। ओके ओके, सही बात है। फिर यहाँ पर एक कारक आ जाता है, ओके, फिर यहाँ पर कोई बॉडी पार्ट आ जाता है जो कि फिर नाउन रहेगा, और ये भी नाउन होता है, ओके। तो भाई गाली भी दे रहा है ना, तो एकदम ग्रामेटिकल भाषा, बिल्कुल, तेरे भाई की, तेरे माँ की, और फिर एक बॉडी, तेरे बॉडी, गाली वाला कंफर्म। पानी की समस्या है आपके गांव में? बोल। हाँ जी, चलना चूतिए। ये कोई रंडी गा रहा है? जल्दी वहां से हटो, तेरा माइक है, चलो उतर, हट बैठ। ओ गड्डियां ऊंचियां रखियां, उन्हरा वो जट दे पीछे, या पर तू मैनू बाली ही जाचदी, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।
सलमान भाई है ना, देखो एक मिनट मैं चीज बोलना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप ढंग से देखो और अच्छे से देखो। बात ऐसी है कि भाई ने उसको बोला चलना, चलना नहीं है क्या? हाँ। चल रहा नहीं है क्या? अच्छे से बोला है प्रॉपर। हाँ। तो ये लोगों ने जो है वो मीमर्स ने या लोगों ने ऐसा कर दिया है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ने बोला चलना नहीं है, चलना क्या? नहीं है क्या? तो उसके टाइप पर बोला आ रहा हूँ बाबा, मैं आता हूँ, मेरा स्लॉट बाद में है, उसको पहले जाना होगा भाई को, बिल्कुल भाई को पहले जाना होगा। भले सिक्योरिटी ने भाई को ऐसा किया होगा क्योंकि अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके ऊपर, इसलिए किया है। पर विक्की भाई को धकलाया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, प्रोटोकॉल के साथ प्रॉपर चल रहे हैं, ठीक है ना? पर भाई ने बोला है कि चलना। हाँ, अच्छे से देखना, मैं वापस लगाऊंगा, मैं चलना बोला है या चल नहीं रहा है क्या? ऐसा चल नहीं रहे क्या, या चलना या चल नहीं रहा है क्या, ऐसा कुछ बोला। प्लीज ये ध्यान में रखो, गलत ये मत फैलाओ। फिर हाँ, किसी ने ऐसा किया है वो आजकल वो चल रहा है भाई, करना पड़ता है। चलो पीछे तू मैनू बाली ही जाची दी, तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। देखो देखो अच्छे से देखो, वो देख ही रहा है सलमान भाई, देख ही रहे चलना। हाँ ठीक है, बट हमारा कंटेंट दिन पे दिन खराब हो रहा है। बड़ी गाड़ बोला वही चल रहा है, गाली वगैरह। बाकी तो पहले तो काफी इंटरेस्टिंग था, कुछ दिनों से काफी बोरिंग हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो तेरी बहन को नचवाना ही। अबे यार यार, इंडिकेटर चचा नहीं। अच्छा भैया सुनो, अगर मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ तो ये सारे भुट्टे मुझे दे दोगे? नहीं नहीं दोगे? नहीं। ये भुट्टे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मुझसे। हाँ। पैसा मिलता है कमाई को पहले। अब दिल्ली आओगे मेरे पास? हाँ। जी जी 100% बिना कैमरे के। यस यस, बहुत कुछ बातें करनी है। कुछ देखेंगे ओके ठीक है, कुछ दिखाऊंगा। क्या देखा? कुछ महसूस कराऊंगा। ओके ओके, क्योंकि वो हर एक को नहीं करा सकते, जो कर सकता है उसी को महसूस करा सकते। ओके आई अंडरस्टैंड। क्या कर रहे हैं यार? नॉर्मल कन्वर्सेशन है। गुड़गांव सेक्टर 110 जाना है। अच्छा हाँ चलेंगे बिल्कुल। कितने पैसे लोगे? 100 रुपए लगेंगे। अरे भैया क्या बात कर रहे हो, हम डेली जाते हैं, 50 रुपए लगते। हाँ भैया मेरी मम्मी भी 30 रुपए में जाती है। हाँ तो मम्मी वाले ऑटो में जाओ। हाँ, ये सारे झोलम झाल से दूर हूँ मैं, इसलिए तो मशहूर मम्मी वाले ऑटो से जाओ। हाय मैं अंदर से टूटा मैं। कहाँ से हो? मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा, पानी पिया भाई? पानी तो पीते हैं। गूगल अजी सुनते हो? कहाँ हो आप? तो तैयार हो गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या पहनूं। चलिए मुझे बताइए। अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा। चलिए साहब, मैं सोच रही हूँ ना मैं ये वाला पहन लूँ। तो पहन लो, लेकिन इसका कलर थोड़ा डार्क हो रहा है। तो मत पहनो। तो ये वाला पहन लूँ? ये वाला पहन लो, इसे 2-3 शादियों में पहन चुकी हूँ। तो इसे भी मत पहनो। और ये वाला, ये कलर मुझ पर बहुत अच्छा लगता है। पहन लो, लेकिन ये ज्यादा हैवी हो जाएगा। Two hours later. और इधर आओ।
एक बात बोलूं, आप वैसे ही बहुत अच्छी लग रही हैं। थोड़ा चेहरा इधर करो। अरे अरे, अरे यार क्या है यार, क्या था? अरे यार नहीं, चेहरा चेहरा इधर करो, चल तेरी, चल तेरी। अरे वो एक तो भाई वाला भाई बॉडीगार्ड वो और ये बेस्ट था। सही बात है। हाँ, ये लड़की मैं मोटी हूँ, कोई बात नहीं यार, क्या हो गया? पर अकली हूँ ये किसने कहा? अरे यार अच्छे थे आज के, आज बहुत बढ़िया, एक्चुअली सब अच्छे थे, सब अच्छे थे आज, एकदम टोटल अच्छे थे। गुरी भाई एकदम सीरियस हो गया है। एक्चुअली क्या है पता है क्या, कौन सा वाला अच्छा नहीं था पता है क्या, वो जो बोला ना तो तेरी बहन को ला, वो ठीक था। अपना दीपक कलाल बोल दिया, वो तो ऐसे ही मतलब बोन डाल दिया ऐसा था, बिल्कुल। बट बाकी सब अच्छे थे, नो डाउट। तो हनी पाजी का वो जो बीच में कन्वर्सेशन ऐसा डाला, कुछ भी मतलब ऐसे क्यों करते हैं। बट हां गुरी बोल, पर मीम देखना सीरियसली आपके साथ देखने को मजा आता है यार। आप प्लीज ऐसे ही वेट करते रहो वीडियो का, और ऐसे ही सजेशन भी देते रहो हमको। क्या बात, क्योंकि आप लोग सजेशन करते हो तो हमको मजा आता है। बाकी अगर कुछ छूट गया होगा तो माफ कर देना, कुछ गलती हो गई होगी तो माफ कर देना। बाकी आप ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत, पीस आउट।